अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबाब रिज़वी। आप लोग देख रहे हैं फ्यूजन कुकिंग विद शेफ रबाब रिज़वी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं प्लेन क्लब सैंडविच। उसके लिए मैं जो मैंने चिकन के फ्लेस को ले लिया, ऐसे चिकन के दो सीनों को ऐसे फ्लेस में कट कर लिया। अब इसे मैं मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। और इसे फिर हम कम ऑयल में, 1 टेबल स्पून ऑयल में, ग्रिल जैसे होता है ग्रिल पैन है तो ग्रिल पैन में ग्रिल कर सकते हैं, और ग्रिल पैन नहीं है तो पैन में आप हल्का हल्का स्टीम रोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं लहसुन जो मैंने बारीक चॉप के ये डालूंगी, तीन से चार जगह को जो है बारीक बारीक क्रश कर लिया और डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट लाजमी करना है आपको, ताकि ये अच्छे से जूसी सा हो जाए चिकन। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चाइनीज सॉल्ट, अच्छा कांटे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर तक मसाले चला जाए। हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, वन टीस्पून सिरका, सिरका हम कम यूज करेंगे, और अगर लेमन जूस है तो आप लेमन जूस यूज कर सकते हैं। टू एंड हाफ टेबल स्पून जो है वॉस्टर सॉस डाला, वन एंड हाफ टेबल स्पून सोया सॉस, वन टेबल स्पून ऑयल। अच्छे से मिक्स करके अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि अच्छा सा जूसी सा हो जाए। फिर आगे का प्रोसेस के बाद बताएंगे। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा सा स्मोकी टच देने के लिए ये मेरे पास डिपेट का जो है बारबेक्यू सॉस है। हाफ टेबल स्पून डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। आप चाहें तो स्पाइसेस तेज रख सकते हैं, मैंने स्पाइसेस बहुत हल्के रखे लाइट से, तो मैं हाफ टी स्पून ग्रीन चिली सॉस भी डाल ली हूँ, और हाफ टेबल स्पून ही ऑस्टर सॉस। अच्छा, इसे मिक्स करके मैं 3 घंटे के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि अच्छे से चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए, जूसी चिकन हो जाए, और इसके अंदर अच्छे से सारा मसाला मैरिनेट हो जाए। यहाँ जो है हमारी चिकन अच्छे से जो है मैरिनेट हो गई है। अब हमने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है,
बिल्कुल धीमी आंच पे इसे सेकेंगे। गर्म आई चिकन अच्छे से गई है, 3-4 घंटे आराम से मैरिनेट हुई है। ऑयल इसके अंदर मैंने डाला था, पहले हल्के से उसी ऑयल में फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद और ऑयल डालेंगे। जब तक यहाँ हमारी चिकन हो रही है, देखें इसमें खुद ही ऑयल और इसने पानी छोड़ा है, जो ऑयल डाला था उसी में ये फ्राई होगी, और ऑयल नहीं डालू मैं। जब तक हम अपनी डब रोटियों को सेक लेते हैं, यहाँ मैंने धीमी आंच पे ब्रेड को अपने सेकने रख दी है। एक साइड से हल्की हल्की ब्राउन हो जाएगी तो साइड चेंज कर देंगे इसकी। ये एक साइड से ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसे पलट दिया। ऐसे हम अपने सारे ब्रेड के पीसीस को सेक लेंगे। और यहाँ हमने चिकन को देख सकते हैं एक साइड से पलट दिया, ऐसा ब्राउन कलर आ गया तो हमने चिकन को भी पलट दिया। यहाँ ब्रेड को मैंने सेक के इधर रख लिए, चिकन को हो गई थी मेरी, तो चिकन को निकाल के छुरी से मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब हम अंडे को फेंटते हैं और अंडा फ्राई करते हैं। यहाँ पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, अंडे में ज़रा सा नमक डाला और इसे हम पूरे पैन में फैला देंगे। ये देख सकते हैं अंडा हमने पलट लिया। अब दूसरी साइड से भी 1 मिनट करके निकाल लेंगे इसे। अब हम इन्हें असेंबल करेंगे। आप लोग सलाद पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटर और खीरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून मायनीज़ में 1 टेबल स्पून केचप मिला दिया हल्का सा। मैं बहुत हल्का सा स्प्रेड करूँगी, आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी स्प्रेड कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं करें। और मैं अपने सारे पीसेस पे स्प्रेड नहीं करूँगी, आधे विदाउट उसके रखूँगी।
ऐसे हम अपने सारे क्लब सैंडविच रेडी करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। ये देख सकते हैं कितने टेस्टी कितने यम्मी से क्लब सैंडविच रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने साइड पे केचप का स्माइली फेस बना दिया। आप ये रेसिपी अपने बच्चों को स्कूल में लंच के तौर पे भी बना के दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने घर पर ट्राई लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।